दार्जिलिंग, ये नाम सुनते ही जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है यहाँ की चाय, द वर्ल्ड्स फेमस दार्जिलिंग टी। यहाँ पहुँचते आपको कुछ ऐसी आवाज आएंगी, और क्या पता कब आप ट्रेन के साथ चलने लगो और दिखेगी आपको इंडिया की हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन कंचनजंगा। नाउ let me take you to this beautiful mountain city of India. So hey guys, welcome to another episode in my Gangtok series. Aaj hum Gangtok se ja rahe hain Darjeeling and we are planning to cover the route in 5 hours max. Perhaps let's see, kyunki Darjeeling mein kafi traffic hote hain. So yeah, it's time to say bye to Gangtok and move to Darjeeling. But yes, this is not the last time I'm in Sikkim. I have to come again. Because of North Sikkim and कल हम South Sikkim गए थे but we couldn't cover all the points because the distance is too much and थोड़ा सा late भी हो गए थे but yeah we got the flavor of Sikkim which is the main thing जो अब हाँ of course आएंगे दोबारा and now let's go to Darjeeling and देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है सब। There's a saying the journey is more beautiful than the destination. मुझे कुछ ऐसा ही feel हुआ था Darjeeling पहुँचते हुए। जो रोड है इतना सुंदर था, जो 4 घंटे की एक पूरी रूट थी जो कि हमने कंप्लीट किया था 5 घंटे में। एंड द वेदर वाज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल, कभी बारिश हो रही थी तो कभी धूप निकल रही थी एंड देन दिस द रोड्स वर कंप्लीटली कवर्ड इन क्लाउड्स, इट वाज नथिंग लेस देन अ फेरी टेल। सो हेलो फ्रॉम दार्जिलिंग, हमने गैंगटॉक से दार्जिलिंग की दूरी ऑलमोस्ट 4.5 hours में कवर कर लिया है एंड ऑन द वे इट वॉज सो ग्रेट, हेल स्टॉर्म भी हो रहा था एंड हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, सो इट वॉज अमेजिंग राइड फ्रॉम गैंगटॉक टू दार्जिलिंग। ठंडा यहाँ पे ज़्यादा है, वेदर थोड़ा सा फील हो रहा है अभी एज ऑफ नाउ। सो दार्जिलिंग में हम रुकेंगे 2 days, आज का दिन कल एंड देन टुमारो वी विल गो बैक टू आवर होम। सो आज कुछ नहीं है, आज का एजेंडा है मॉल रोड को एक्सप्लोर करना है एंड लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, क्योंकि गैंगटॉक पे इतना हॉच पॉच हो गया था, कुछ शॉपिंग कुछ नहीं हो पाया। सो या दार्जिलिंग वी आर होपिंग बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड कि बढ़िया कुछ खरीदारी हो जाए। एंड कल का दिन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि कल हमें टाइगर हिल्स का सनराइज कवर करना है एंड देन देयर आर सम लोकल साइट्स एंड पॉइंट्स, वहाँ पर जाना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट टुमारो इज द जॉय राइड। अब पता नहीं कैसे हो पाएगा, सो लेट्स सी। ड्राइवर भैया को मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे वो राइड लेना ही है, बट या फिंगर्स क्रॉस्ड एंड अगेन अब वेदर जैसे आपको पीछे दिख रहा है कि थोड़ा सा क्लाउड है एंड या क्लाउड के चक्कर में सनसेट मिस, सॉरी सनराइज मिस नहीं होना चाहिए। जाएंगे जाके देखेंगे तो कैसा रहता है। सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा कल, इसीलिए आज का दिन हम थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करेंगे। सो या वी आर एट होटल नाउ एंड माय होटल रूम हैज़ दिस व्यू जो कि आपको पीछे दिख रहा है, इट्स अमेजिंग। एंड ये मॉल रोड से 500 meters दूर में ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है होटल, वेरी स्मॉल होटल but yeah with this beautiful view. So yes guys, see you from Mall Road Darjeeling and yeah let's see kaisa rehta hai Darjeeling. Mere hotel se ye tha view एंड ये व्यू छोड़ के कहीं पे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो इंस्टेड गोइंग आउट एक्सप्लोरिंग द मॉल रोड आई स्टेड होम एंड जस्ट एडमायर दिस ब्यूटिफुल नेचर। लेटर इन द इवनिंग वी वेंट टू मॉल रोड एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड। बहुत सारे लोग थे एंड आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक सो आई जस्ट स्टेड इन अ कॉर्नर व्हाइल माय फैमिली डिड शॉपिंग। ये शुगर है, ये तो डाला ही है। एक थोड़े कम बोला है, कम तो है इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। नीचे नीचे रिफ्लेक्ट। ये
If you love shopping and you are good with bargaining, then this is the place for you. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वुलन्स मिल जाएंगे, बट हाँ आपको bargaining करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. तो भीड़ देख के आपको समझ ही आ रहा है कि लोग कितने थे. Guys, good morning. सब सुबह के बज रहे हैं 4:30 and we are heading towards Tiger Hill. दार्जिलिंग से टाइगर हिल्स का डिस्टेंस अप्रॉक्स 1.5 आवर्स का है. सो लेट्स सी कि सनराइज दिखता है कि नहीं. इट्स टोटली अ गैम्बल एंड डिपेंड्स ऑन आवर लक. सो लेट्स सी. Hey guys, so live from Tiger Hills. अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड देखिए बहुत क्लीन है वेदर. पीछे चंदा मामा दिख रहे हैं एंड ऑपोजिट टू मी इज सन एंड यहाँ पे है कंचनजंगा. सो विजिबिलिटी बढ़िया है पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है. जिनको टाइम लैप्स वगैरह कैप्चर करना है वो मतलब अभी क्या 5:30 हो रहे हैं तो पीपल हैव कम हियर. पीपल मिड नाइट से लोग यहाँ पे खड़े हैं तो देयर इज नो पॉइंट दैट आई कैन कैप्चर सनराइज. बट या इट्स अ वेरी ग्रेट साइट. सो नाउ लेट मी शो यू दी भीड़ कितनी है यहाँ पर. इंडिया के हर एक कोने से लोग यहाँ पे आते हैं सनराइज देखने. सनराइज के बाद जब सूर्य की पहली किरण कंचनजंगा पे पड़ती है, द कंचनजंगा शाइन्स लाइक दिस एंड द मोमेंट कॉल्ड गोल्डन आवर. व्हाइल कमिंग डाउन फ्रॉम टाइगर हिल वी स्पॉटेड दिस ब्यूटिफुल प्लेस and I saw some people playing in the snow and log yahan pe photo khichwa rahe the and you can also see Kanchanjunga here. After Tiger Hill we went to Japanese temple and Peace Pagoda. This looks like Shanti Stupa of Ladakh. Darjeeling ki aur ek khaas baat hai yahan ki toy train. Yahan pe aapko aaj bhi saalon purani steam engine dikhengi. इनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है. जिस ट्रैक पे ये चलती है वो इतना छोटा होता है कि समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी ट्रेन इन 2 फीट की ट्रैक पे कैसे चल रही है. शायद इसीलिए इसे टॉय ट्रेन कहते हैं. Hey guys, so right now we are at Bataashya Lok. Train has stopped for 15 minutes. So we have time to roam around and click some pictures with steam wala toy train and with the diesel wala. So ye dekhiye, jo mere peeche hai, that is steam one and this is the diesel one. So humne diesel wala kiya hai, not the steam wala, because steam wala mein bahut dhua nikal raha hai. It is good for pictures but baithna thoda difficult hai. This place is pretty nice. See behind me. And I would consider myself as very lucky because the weather is super clean today, so we can see everything. Right now I am at one of the UNESCO World Heritage Site, that is Coombe Railway Station, which is the highest railway station in India. The second stop of this joyride is Coombe Railway Station, which is India's highest railway station. So ab yahan pe andar aa sakte hain. Right now I am at the Rail Museum, jahan pe there are a lot of thing about train.
दी एंट्री टिकट इज इंक्लूडेड इन दी टिकट प्राइस, तो आपको अलग से कुछ पे नहीं करना। यहाँ पे ट्रेन 20 मिनट्स रुकेगी एंड वी हैव टाइम टू रोम अराउंड, ये देखो पीछे। एंड यहाँ पे एक स्टीम वो भी रखा हुआ है, इंजन पीछे समवेयर हियर। सो अगर आपको फोटो खिंचवाना है, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। Now it's time to talk about the trains and the rides. So there are two types of ride, toy train ride. Pehla hai jo 8 ghante ka hai, and then there is a second one which is called as joy ride, jo ki hota hai 1.5-2 ghante ke liye, theek hai. Aur jo first wala hai, the main toy train ride, jo ki 8 ghante ki hoti hai, it starts from Darjeeling and it ends at Jalpaiguri, theek hai. And the time is approx 9, the time is between 9 to 9:30. Okay, so if you want to, you know, enjoy the entire route from Darjeeling to Siliguri, you can book it. And if you don't have time, because 8 ghante ka is like too long, you need an entire day. If you have buffer time, of course you should go for it. If you don't have buffer time, then there is a joyride. Joyride hoti hai 2 ghante ki. It starts from Darjeeling, jo Darjeeling main station hai, and then it ends at Ghum. Ghum ek station hai, wahan tak jati hai, and then it again comes back to the same station. So this is basically they cover a few points जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया है। जोरा राइड इज प्रीटी फेमस बिटवीन टूरिस्ट, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज एंड फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द टाइम, इट ओनली टेक्स 2 hours अप्रॉक्स। आफ्टर द जॉय राइड वी डिड फ्यू साइट सीन एंड HMI इज वन ऑफ देम, and the next was a tea garden. I only had one day for Darjeeling, that is why I couldn't explore more, but there are many more points which you can cover, which I'm gonna note down for you in the description. That was all about my Darjeeling sightseeing. So thank you very much guys for watching the entire video.